प्रदेश के लिए 4 जून का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा। एक और सूबे की सत्ता में चंद्रबाबू नायडू ने 5 साल बाद वापसी की, तो वहीं लोकसभा चुनाव में भी टीडीपी ने बड़ा उलटफेर किया है। टीडीपी और चंद्रबाबू नायडू को देखकर बस यही बात कहा जा रहा है कि कम बैक हो तो ऐसा हो वरना ना हो। नमस्कार, मैं हूँ आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज चंद्रबाबू नायडू ने जो अपना कद बनाया है उसे देखकर लोग उनके कमबैक के बारे में जानने के लिए एकदम इच्छुक हो गए। बात है 20 अप्रैल 1950 की, जब आंध्र प्रदेश के अविभाजित चित्तूर जिले के नवीरपल्ली में जन्मे नारा चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति के श्री वेंकटेश विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति से अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। इसके बाद नायडू कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और कैबिनेट मंत्री बन गए। हालांकि बाद में वो अपने दिवंगत ससुर और दिग्गज अभिनेता एनटी रामाराव की स्थापित टीडीपी में शामिल हो गए। चंद्रबाबू नायडू पहली बार 1995 में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे और 3 बार सीएम रहे। 2014 में चंद्रबाबू नायडू शेष आंध्र प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में उभरे और 2019 तक इस पद पर कायम रहे। मुख्यमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल में उन्होंने अमरावती की दक्षिणी राज्य की राजधानी बनने का बीड़ा उठाया, लेकिन सत्ता खोने के बाद उनका ये वादा अधूरा रह गया। इसके अलावा YSRCP सरकार के तरफ से कौशल विकास निगम घोटाले के तहत 2023 में नायडू की गिरफ्तारी उनके परिवार का सबसे बुरा दौर था। पिछले साल 9 सितंबर की सुबह गिरफ्तारी के बाद नायडू के करीब 2 महीने राजा महेंद्र वर्मा सेंट्रल जेल में बिताए। हालांकि 31 अक्टूबर को उन्हें अंतरिम जमानत भी मिल गई थी। अंतरिम जमानत को 20 नवंबर को पूर्ण कर दिया गया था। इसके बाद टीडीपी, भाजपा और जनसेना के एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। बात है 19 के दशक की, जब उत्तराध में नायडू ने उस समय की केंद्र सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा गठित पहली एनडीए सरकार को टीडीपी ने बाहर से समर्थन दिया था। इतने सारे उतार चढ़ाव को झेलने के बाद एक आज का दिन है जब चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी ने 25 में से 16 सीटों पर जीत हासिल की है। ऐसा माना जा रहा है कि वो केंद्र में मोदी सरकार बनने में अहम रोल निभा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है, इसलिए बीजेपी 240 सीटों पर ही जीत सकी। ऐसे में अगर एनडीए केंद्र में सत्ता बनाने की ओर बढ़ती है तो टीडीपी बेहद अहम किरदार निभा सकती है। वहीं विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो सूबे के 175 विधानसभा सीटों में से टीडीपी 135 सीटें जीत चुकी है। आंध्र प्रदेश में चुनाव 13 मई को लोकसभा चुनाव के साथ ही हुए थे। मुख्यमंत्री VIS जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व में YSRCP ने आंध्र प्रदेश की सभी 175 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि एनडीए के तहत टीडीपी ने 144, जनसेना पार्टी 21 और बीजेपी ने 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। वहीं लोकसभा की 25 सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह हुआ कि टीडीपी ने 17 सीट, बीजेपी ने 6 सीट और जनसेना पार्टी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब चुनाव परिणाम सामने आने के बाद ये साफ हो गया है कि चंद्रबाबू नायडू लोकप्रिय नेता बनकर के उभरे हैं। आंध्र की जनता ने टीडीपी को विधानसभा और लोकसभा दोनों में ही अपनाया है और इस तरह आंध्र में टीडीपी की आंधी चल रही है। राजनीति के जानकारों की माने तो साल तक आंध्र में सब कुछ जगनमोहन रेड्डी के पक्ष में था। जनता में भी उनकी काफी ज्यादा लोकप्रियता थी, लेकिन पिछले साल पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इससे जनता में नायडू को लेकर के जबरदस्त सहानुभूति पैदा हुई और उनका सीधा असर चुनाव पर दिखा। पिछले साल जब चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया और उनके बाद पवन कल्याण ने उनसे मुलाकात की, उससे पूरा मोमेंटम बदल गया। जगनमोहन रेड्डी ने जो कुछ भी किया सब कुछ उनके खिलाफ हो गया। जगन रेड्डी के कई उम्मीदवारों को के टिकट भी कटे, जिसके कारण पार्टी के कई बड़े नेता YRS से अलग होकर के टीडीपी में चले आए। बता दें कि चंद्रबाबू नायडू 1995 से 2004 तक संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। इसके बाद चंद्रबाबू 2014 में आंध्र के विभाजन के बाद शेष आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी बने थे। हालांकि 5 साल पहले यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में YSRCP ने सूबे की सत्ता हासिल की थी और टीडीपी की अपमानजनक हार हुई थी, लेकिन 5 साल बाद चंद्रबाबू नायडू कमबैक करते हुए अब नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बात इतनी है कि अगर राजनीति में किसी को कमबैक करना सीखना होगा तो वो चंद्रबाबू नायडू से ही सीखना होगा। ऐसे तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।